पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोमवार को मुंडा पांडे ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद रहे और बापा टिकैत द्वारा दिए गए मार्गों पर चलने की बात कही गई। साथ ही किसानों के नेता भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हम किसान लोग पांच सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, अगर हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रहेगा। इस दौरान सियाराम महेंद्र सिंह, माखन सिंह, भानु प्रताप सिंह, शंकर सिंह, मनोज सिंह, धनवीर सिंह आदि किसान मौजूद रहे। मेरा नाम भूपेंद्र यादव है, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन से। क्या कार्यक्रम चल रहा है? एक पंचायत की हमने धरने व्यवस्था की जा रही है। हमारी धरना हमारा कई मांगों को लेकर है, क्षेत्र की जो मेन मुद्दे में समस्या है उनको लेकर के धरना दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहली समस्या हमारी है, जैसे हमारे ब्लॉक परिषद धरना चल रहा है, यहाँ ब्लॉक में पिछले 7 BDO साहब नहीं है। एक BDO के ना होने के बाद क्षेत्र की समस्याओं का निर्धारण हो सकता है? पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि बाढ़ के बाद में खादर का क्षेत्र है पूरा, बाढ़ के बाद तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार हम लिखित में देते रहे हैं, अभी तक उन सड़कों का कोई सुधार का कार्यक्रम नहीं हुआ, जगह गड्ढे हैं उनमें। आए दिन क्षेत्र में चोरियाँ बढ़ रही हैं, पुलिस की निष्क्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसानों की मवेशी खोली जा रही है लगातार, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। तीसरा मुद्दा चौथा हमारा यह है कि किसान अपना गन्ना तो डाल रहे हैं, अभी तो पुराना पेमेंट नहीं मिला उनको, नया गन्ना उन्होंने डालना शुरू कर दिया, पिछले 2 महीने पेमेंट पड़ रही है और गन्ना पड़ रहा है और अभी तक उसका 1 रुपये का पेमेंट नए का नहीं मिल पाया। ये तमाम मांगों को लेकर हम धरना पर बैठे हुए हैं। सक्षम अधिकारी कोई आएंगे, अगर हमारी समस्याओं का निदान होता है तो ठीक, नहीं होता तो धरना हम आगे तक चलाने के स्थिति में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, अगर आश्वासन मिलता है तो धरना हटाएंगे, आश्वासन नहीं मिलता तो धरना हम लगातार चलाएंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम हमने दे रखा है, 3 बजे तक कोई हमारे अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद में जो है आगे रणनीति तैयार की जाएगी।